नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोहरा झटका लगा है। दोहरा झटका इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दो अर्जियां थी। इन दोनों ही अर्जियों में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी। पहली अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने यह मांग की थी कि उनको उनके निजी डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिदिन 20 मिनट परामर्श लेने की इजाजत दी जाए। इस दौरान उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है वो भी मौजूद रहेंगी। अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। जो दूसरी अर्जी अरविंद केजरीवाल की थी जिसमें उन्होंने मांग ये की थी कि उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट आदेश दे तिहाड़ जेल प्रशासन को कि उन्हें इंसुलिन दिया जाए। इस पर तिहाड़ कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने के लिए कह दिया है। अब इस कमेटी को 5 काम अदालत ने सौंपे हैं। पहला काम यह है कि अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल की एक कमेटी जांच करेगी। दूसरा ये देखेगी कि अरविंद केजरीवाल को क्या इंसुलिन लेने की जरूरत है या नहीं। तीसरा, अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट ये बनाएगी। चौथा, अरविंद केजरीवाल किस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि टाइप 2 के पेशेंट है शुगर के, तो वो एक्सरसाइज बताई जाएगी। और पांचवा, ये कमिटी जो अपनी रिपोर्ट है वो अदालत में सौंपेगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो अब एम्स बोर्ड यानी जो होगा डॉक्टरों की एक कमिटी होगी, वो ये तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं, अरविंद केजरीवाल को किस तरह का खाना खाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल एक्सरसाइज में क्या क्या